नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली में आज दोनों गठबंधनों की बैठक होगी और बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इसमें शामिल होंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी दे दे, जहां सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, एक ही फ्लाइट से दोनों बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। और 10:40 पर विस्तारा की फ्लाइट से ये दोनों बड़े नेता, दोनों बड़े चेहरे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो खास बात यह है कि दोनों बड़े नेता एक ही फ्लाइट में साथ में दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। 10:40 पर विस्तारा की फ्लाइट से दोनों बड़े नेता दिल्ली जाएंगे, तो एक ही साथ एक ही फ्लाइट में सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और खास बात यह है कि एक ही फ्लाइट से दोनों बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं, तो 10:40 समय है जब विस्तारा की फ्लाइट से दोनों बड़े नेता दिल्ली जाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से कल लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है। सियासी गलियारों का बाजार जो है वो गर्म है, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या खिचड़ी पकेगी और क्या रणनीति तय की जाएगी, ये समय के साथ तय हो पाएगा। और अमित जी, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में एक ही समय पर एक ही साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर दोनों पार्टियों की बैठक होगी, रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल सीखा, और महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कल सांसद जो है आरजेडी के मनोज झा ने जो एक बयान दिया था, नतीजे जब आने शुरू हो गए थे, जब रुझान आने शुरू हो गए थे और जब आईएनडीआईए गठबंधन के पक्ष में नतीजे आए, उसके बाद मनोज झा ने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा, चंद्रबाबू नायडू का नाम लेकर कहा कि ये दोनों जो नेता हैं समाजवादी नेता हैं और ये लोग समझते हैं कि किस तरह की विचारधारा बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ओर खींचने की कोशिश थी, अपनी ओर लेने की कोशिश थी। और आज जो कुछ भी होना है, यानी कि आज आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक दिल्ली में, एनडीए की बैठक दिल्ली में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और महज संयोग इसको नहीं कह सकते हैं कि एक ही फ्लाइट से दोनों जा रहे हैं। 10:40 पे UK 718 जो विस्तारा की फ्लाइट है उससे जा रहे हैं। सियासी बाजार बिल्कुल गर्म है, बिहार की सियासत तेज हो गई है, और जो कयास लगाए जा रहे हैं शिखा, इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि जब दो बड़े नेता एक फ्लाइट के अंदर होंगे, 1.5 घंटे तक का सफर है, क्या कुछ बातें होती हैं, क्योंकि दोनों के रिश्ते चाचा भतीजे वाले रिश्ते रहे हैं और दोनों के बीच में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मतभेद मनभेद के बावजूद भी तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में सीखा, देखिए कहीं भी वो अटैकिंग नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, और जिस तरीके के बयान सांसद मनोज झा ने कर दिए, उसके बाद से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ कोई खेला शुरू हो गया है। अगर हम ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा कि जब दोनों नेता, बड़े नेता फ्लाइट के अंदर जाते हैं, जो तस्वीरें अगर कहीं बाहर निकलती हैं, उन तस्वीरों से लगाया जा सकता है अंदाजा कि क्या कुछ होने वाला है। यानी अगले 2 घंटे तक, यानी जब से 10:40 से लेकर 12:10 तक के बीच में सबकी निगाहें होंगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब दिल्ली पहुंचते हैं, यानी हस्तिनापुर की धरती पे, जहां पे सारे बड़े नेता जो है वो इंतजार करेंगे दोनों नेताओं का, तो क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज रहता है बाहर निकलने के बाद एयरपोर्ट से, वो सारी मीडिया उन पर निगाहें रखेंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि दो बड़े नेता शिखा
वो आज पटना से दिल्ली जब जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी, लेकिन फ्लाइट एक एक ही में डेढ़ घंटे तक उस फ्लाइट के अंदर दोनों रहेंगे, क्या कुछ बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, तो जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी एनडीए में क्या स्थिति, क्या हलचल देखने को मिल रही है इस यात्रा को लेकर? अब आप समझिए सीखा कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से बेचैनी होगी। बीजेपी हालांकि बीजेपी उस डेढ़ घंटे में किस तरीके से सोचती है, हालांकि बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं, मजबूत स्तंभ है, उनको उनकी उनकी अचानक से नीतीश कुमार की जो जो प्रायोरिटी के तौर पर देखा जा रहा है, देखिए जो पहले एनडीए की बैठक नहीं होती थी, अब सबसे पहले नीतीश कुमार को नेता मिलता है, गृह मंत्री अमित शाह फोन करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, किस तरीके से उनकी आवभगत शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से केंद्र बिंदु हो गए हैं। नीतीश कुमार को सब लोग, चाहे एनडीए हो चाहे आईएनडीआईए हो, दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार की तरफ निगाहें बना के रखे हैं लोग। तो अभी ऐसे समय में श्रीकांत कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार यहां से दिल्ली रवाना होंगे तो इस बीच में तेजस्वी यादव की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, 251 सभाओं की, तो उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट आता है, क्या कुछ खिचड़ी आपने जो नाम लिया, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अमित जी, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उसके बाद क्या बीजेपी को संदेह है क्या? देखिए सम्राट चौधरी एक तरीके से दूत बनकर गए थे, क्योंकि कल जब आज कल वो जब गए थे तो आज के एनडीए की बैठक के लिए न्योता देने गए थे, क्योंकि फोन पहले से आ गया था गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है और डिप्टी सीएम है, तो वो केंद्र के कहने पर, केंद्र की सियासत से कहने के बाद वो सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग गए थे जहां पे संजय झा भी मौजूद थे। तो हम ये कह सकते हैं बीजेपी के अंदर थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि सीटें जो कम हुई है सीखा, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी अब अपने सहयोगियों के सहयोग से ही सरकार बना सकती है और नीतीश कुमार काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को नजरअंदाज लोग नहीं कर सकते हैं, भले ही विधानसभा के बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा नहीं ये किया गया हो, लेकिन केंद्र की सियासत में अब जब जो आंकड़ा 295 कहा जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका है। शायद यही कारण है कि आरजेडी ने ये चोट किया है। कल जो सांसद मनोज झा हैं, उन्होंने एक बड़ा चोट किया और एक तरह से इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार किसी समय भी उनके साथ बातचीत चल सकती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु अब नीतीश कुमार फिर से बनने लगे हैं। सीखा बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के बाद आज का दिन बेहद खास होने वाला है। दिल्ली में आज दोनों गठबंधनों की बैठक होगी, बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे, चिराग पासवान शामिल होंगे और जीतन राम मांझी भी शिरकत करेंगे।